हेलो दोस्तों, मैं हेमंत। आज मैं आपको महिंद्रा ट्रैक्टर के ड्राइव ब्रेक वाला टॉपिक लेकर आया हूँ। आप ये दोनों ब्रेक ड्रम देख रहे हैं, ये महिंद्रा ट्रैक्टर 275 DI सरपंच मॉडल के ब्रेक हैं। इनमें आप ये छठा प्लेट देख रहे हैं, तो इस मॉडल में ये आप आई बोल्ट वाला एडजस्टिंग सिस्टम देख रहे हैं, तो इसमें कुछ टाइम के बाद ब्रेक कम लगने लगते हैं, एडजस्टिंग कम होती है इनमें। और ये आप ब्रेक शू देख रहे हैं, ये बेकार हो चुके हैं। ब्रेक शू जो है, ब्रेक लेदर, वो हम लोग अपनी वर्कशॉप पर ही निकाल करके नए ब्रेक शू प्रेस करते हैं, हम लोग खुद ही सब तैयार करते हैं ब्रेक वगैरह। ब्रेक शू निकाल करके भी नए ब्रेक शू उसमें प्रेस करेंगे। ये उसका आई बोल्ट है, इसमें एडजस्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें पत्ती सिस्टम करेंगे हम, आई बोल्ट एडजस्टिंग की जगह पत्ती सिस्टम एडजस्टिंग करेंगे इसमें। ये प्लेट साफ करके, ग्रीसिंग करके, स्प्रिंग चेंज करके इसमें पत्ती सिस्टम किया हुआ है। ये ब्रेक लेदर निकाले हुए हैं प्लेट के, तो इनको भी अभी साफ किया हुआ है। ये छठा प्लेट है, तो इसमें झूला किट और इसके बोल्ट बदले हुए हैं। ये उसका आई बोल्ट निकाला हुआ है, ये इसमें पत्ती सिस्टम किया हुआ है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। इन पत्तियों में होता क्या है कि ब्रेक की सर्विस जो है वो ज़्यादा मिलेगी हमें। और जो ये छठा प्लेट में ये पत्ती लगाई हुई है एडजस्टिंग वाली, तो ये हम लोग ने अलग से बनवाई हुई थी। और ये आप ब्रेक लेदर प्लेट देख रहे हैं, ये ब्रेक शू जो है ये नए लगाए हुए हैं। वर्कशॉप पर हम लोग खुद ही प्रेस करते हैं, ब्रेक शू चेंज किए हुए हैं। और ब्रेक की मैंने एक वीडियो और बनाई हुई थी, उसमें आपको बताया हुआ था कि पत्तियां जो हैं हम लोग ने ऑर्डर पर अलग से बनवाई हुई थी एडजस्टिंग के लिए। उसमें पत्तियों में होता क्या, उन पत्तियों में कि ब्रेक्स की जो एडजस्टिंग है बहुत अच्छी आती है।